स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए, जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, हमें पॉइंट्स ए बी सी डी को ग्राफ पर प्लॉट करना है। क्वेश्चन आपका ये है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर। ठीक है, अब सेम ग्राफ पेपर क्यों लिखा है तो देखते हैं इसको, मतलब एक ही ग्राफ पेपर पे ये चारों पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने पॉइंट ए को प्लॉट कर रखा है जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं 2.5/2। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि हमने वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है हमारा वो 5/2 है। 5/2 आपका 2.5 होता है, 2.5 होता है, दैट मीन्स ये 2 और 3 के ठीक बीच में लाई करता है, ठीक मिडिल में लाई करता है। तो इसलिए मैंने 2 और 3 के बीच में मैंने ठीक मिडिल में एक पॉइंट बना करके एक लाइन, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी है, और जो आपकी 2 से आने वाली वर्टिकल लाइन से मिल जाती है और हमारा ये कोऑर्डिनेट बन जाता है 2.5/2, जो कि हमारा क्या है, पॉइंट ए है। इसी तरीके से हम पॉइंट बी को ड्रॉ करेंगे। अब हमने पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं जो कि है -3/2.3। तो आप देख पा रहे हैं -3/2 को मैंने यहां पर कैसे ड्रॉ किया है। देखिए, -3/2 होता है -1.5, तो -1.5 कहां पर लाई करेगा, -1 और -2 के बीच में लाई करेगा, और बिल्कुल ठीक बीच में लाई करेगा। तो मैंने क्या करा है कि ठीक मिडिल से मैंने एक लाइन मैंने ली है और 3 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, और वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों को मिला करके हमने कोऑर्डिनेट तैयार किया है -3/2.3 को। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट सी की। तो देखिए, पॉइंट सी है हमारा 1/2, -3/2। तो देखिए, 1/2 कहां पर लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा और ठीक बीच में लाई करेगा। तो 1/2 हमने 0 और 1 के मिडिल से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, और -3/2 को ड्रॉ करने के लिए कहां से लेंगे हम, -1 और -2 के बीच से लेंगे। तो -1 और -2 के ठीक बीच से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों जहां पर मैच कर जाएंगी वो पॉइंट हमारा हो जाएगा सी, 1/2, -3/2। अब हम लोग पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे जो कि हमारा फाइनल पॉइंट होगा। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, पॉइंट डी है हमारा -5/2, -1/2। तो देखिए, जो -5/2 होगा वो कितना होगा, -2.5 होगा, जो कि किसके, -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। तो हमने -2 और -3 के एक्स एक्सिस से एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया है, और 0 और -1 के बीच में से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करा है। अब ये दोनों लाइंस जहां पर भी मीट कर जाएंगी वो पॉइंट हमारा हो जाएगा -5/2, -1/2। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन यहां पर खत्म होता है।